ये जो बुद्धिज्म की शाखा थी हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान, ये जो बुद्धिज्म की चार शाखाएं, चार पंथ थे, उसमें तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य गोरखनाथ थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके यूपी के है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी पंडित जी है, उन्होंने लिख कर रखा कि ये प्रधान आचार्य थे इस पंथ के बुद्धिज्म के, गोरखनाथ के बारे में। हमने नहीं लिखा है, पंडित जी ने लिखा है। तो दूसरा सबूत क्या चाहिए आपको? दूसरा सबूत चाहिए तो दूसरा सबूत बनते हैं। दूसरा सबूत है, यानी ये बुद्धिस्ट लोग थे। अभी योगी आदित्यनाथ जो है, ब्राह्मण धर्म के जितने भी साधु होते हैं, सारे के सारे जटाधारी होते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी जटा उतना बड़ा साधु है कि नहीं? आपके यूपी में ऐसे होता ना, जितनी ज्यादा जटा बड़ी उतना बड़ा साधु। मगर योगी आदित्यनाथ के सर पर पूरा चंपी होता है, पूरा चंपी होता है। होता है क्यों होता जानते हो? ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनका पूरा चंपी होता है। देख लो सारे देश दुनिया में, पूरी इविडेंस बता रहा हूं। दूसरा, योगी जी ने कभी सफेद शर्ट पहना नहीं, भगवा पहनते। ये भगवा जो आरएसएस वाले बोलते हमारा, अबे तुम्हारा कहां है? तो बुद्ध का है भगवा। ये कहते, कहीं कहीं कहते हमारे धर्म का नाम क्या, तुम्हारा धर्म का नाम क्या? सनातन। योश एश अपने ओशो ने लिखा, बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। बुद्ध पर किताब लिखा, बुद्ध पर लिखे हुए किताब का नाम क्या है ओशो का? एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। तो ब्राह्मणों को पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। ये तो बुद्ध का हुआ, तुम्हारा क्या? तुम्हारा ये भी उधार लिया क्या? ये भी उधार लिया, भगवा कपड़ा उधार ले लिया। ये योगी जी भगवा कपड़ा डालते हैं, चंपी करते हैं, संगठन का नाम रखा संघ। अरे तो भिक्षु संघ का नाम था, समझ रहे ना? भिक्षु संघ, ये भी उधार लिए। योगी मोदी जी ब्रह्मदेव गए, वहां के प्रधानमंत्री को कहा मोदी जी ने कि हमारे बीजेपी पार्टी का निशान जानते हो क्या है? कमल का फूल, बुद्ध का। खुद मोदी वहां के प्रधानमंत्री को कह रहे कि कमल का फूल है ना पार्टी का हमारा निशान, ये बुद्ध का है। तो हमारा कहना है, तुम्हारा क्या है? ये तो बुद्ध का हो गया, तुम्हारा है क्या? सारा साला उधार, संघ शब्द उधार लिया है, चुनाव निशान उधार लिया। भिक्षुओं को प्रचारक कहा जाता है, आरएसएस के लोगों के कार्यकर्ता को प्रचारक कहते हैं। सारा सारा आपको समझे इसलिए बता रहा, उधार सारा का सारा। और उधार के बारे में कहा जाता है कि उधार का जितना भी धंधा होता है वो डूब जाता है। तो साथियों, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण दे के समझा रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं कि गोरखनाथ का नाम इन लोगों ने गोरक्षनाथ कर दिया। इसके बदले में एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और उसने स्वीकार कर लिया तुम गोरखनाथ का गोरक्षनाथ करो। यानी इसका मतलब है
गोरखनाथ जी क्या करते थे, गाय की रक्षा करते थे। बुद्धिज्म का काम करते थे ना, गाय की रक्षा करते थे, और मुसलमान गाय को मारते हैं। इसलिए जो भी गोरखपुर से संबंधित लोग हैं उनको मुसलमानों का बंदोबस्त करना चाहिए, इसके लिए ये नाम सारा का सारा बदल। ये बात मैं इधर गोरखपुर में आकर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, और अगर असत्य होगा तो हमारे ऊपर केस कर, फिर मैं देख लेता। बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं। 45 साल में ये ऐसी सारी सबूतों से बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने योगी ने जिन्होंने अपने गुरु के साथ धोखा किया, तुम लोगों के साथ न्याय कर लेगा। अरे जो गुरु का नहीं हुआ तो तुम लोगों का हो जाएगा, कहां से होगा? ताकि वामन मेश्राम की ये बात गोरखपुर में ज्यादा लोग नहीं सुनने चाहिए, आरटीओ को टेलीफोन किया, आरटीओ को टेलीफोन किया कि ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। तो ऐसा करो, कैसे होगा? वामन मेश्राम को रोकना आसान नहीं है, वो तो ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा का भी मानता नहीं है, जानते नहीं हो उसको। तो आरटीओ को टेलीफोन किया, कहा एक काम करो, गाड़ियों के रेट बढ़ा दो, या गाड़ियों के मालिक को धमकी दे दो, अगर उनको गाड़ी में लेकर जाओगे आओगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। डरे हुए लोग, ये लोग डरे हुए लोग हैं। गब्बर सिंह का डायलॉग मालूम है, शोले का, जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह ने शोले में कहा था, जो डर गया सो मर गया। अब मरे हुए को मारने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए योगी को छोड़ देता।